नीतीश कुमार की ताजपोशी पांचवी बार होने वाली है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। दो खास मंच तैयार किए गए हैं। इन दो मंचों से आज बिहार की एक नई तस्वीर दिखेगी। नीतीश कुमार ने जिन खास मेहमानों को आज न्योता भेजा है, एक मंच पर वो विराजमान रहेंगे और दूसरे मंच पर वो तमाम नेता जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बेहद ऐतिहासिक और बेहद खास पल होगा ये बिहार के लिए। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और बिहार पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे इस उम्मीद के साथ ये व्यवस्था की गई है। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के आने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम गांधी मैदान में मंचों के जरिए ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ये बात अब समझनी होगी कि बिहार में जो तस्वीर इस मंच से दिखाई देगी वही अब पूरे देश में राजनीति की एक अलग पहचान बनेगी। जो मेहमान पूरे देश से आज बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आएंगे, राजनीतिक तौर पर वो एनडीए के खिलाफ पूरे देश में बिगुल भी भरेंगे। इस पर एनडीए की तो खास नजर है ही, साथ ही बिहार के तमाम नेता और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो यहां पहुंचेंगे वो बिहार की तस्वीर के जरिए देश की तस्वीर बदलने का दम भी भरेंगे। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई उससे ये साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक अलग करवट ले रही है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे शपथ ग्रहण समारोह में होंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। लेकिन व्यवस्था के लिहाज से जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक पूरा जो ग्राउंड है उसको खाली करा दिया गया है। हर जगह डॉग स्क्वाड से तैनाती जो पुलिस वालों की गई है वो छानबीन कर रहे हैं। किसी तरह की व्यवस्था में कोई चूक ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संतोष तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गांधी मैदान, पटना।